स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि सोना मोना भी है फिर। So what is up YouTube? अभी हो रहा है तो अभी सुबह के हो रहे हैं 5:53। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा आज का टाइटल क्या है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अ डे इन माय लाइफ। अभी जाना है जिम, तो अभी मैं सुबह सुबह हल्दी वाटर पीता हूँ। दिल्ली में हम रहते हैं, यहाँ पे पोल्यूशन की बहुत दिक्कत है, तो किसी को अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो वो रोज़ सुबह अगर हेल्दी वाटर पिएगा तो उसको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। सुबह 5:30 बजे उठ के कैसा लगता है बाहर सर्दियों में, तो आप देखिए, बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा सा नाक बंद है। चल, कल मैंने नए शूज़ लिए हैं पूमा के RX 2 के, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा था उन पर। बहुत सारी उस पर डांस वीडियोस बनेंगी, आजकल बहुत ट्रेंड में है। अगर आपको किसी को भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अभी ऑनलाइन बहुत अच्छी सेल चल रही है, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। आप देखिए एक बार शूज़। लोग सोचेंगे कि ये मैंने पिंक वाली कलर स्कीम क्यों ली है। बाय द वे आई लव पिंक, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कम मैनली है या फिर लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि ये बहुत गर्लिश कलर है, लेकिन आई थॉट ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। बेबी पिंक तो लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी होगी तो मैं ज़रूर कभी ना कभी उसे बेबी पिंक कराऊँगा। अभी क्रिएटिन वगैरह पीना है मेरे को। हाँ, मैं मॉर्निंग में अभी इस रूटीन के साथ मैं क्रिएटिन लेता हूँ। आज जिम में मेरे को करना है शोल्डर और बैक, तो सुबह सुबह मैं क्रिएटिन लेता हूँ। अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है मैंने, और क्रिएटिन सबसे ज़्यादा टेस्टेड सप्लीमेंट है। आपको क्रिएटिन पे बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट क्रिएटिन ही लगता है। इसमें सबसे सही चीज़ ये होती है कि ATP मॉलिक्यूल जनरेट करता है, तो अगर आपको जैसे रेप्स करते हुए आपको थकान लगती है तो इसको करके थकान नहीं लगती है। क्रिएटिन पीना कैसे है? क्रिएटिन मैं यूजुअली ऑरेंज जूस में लेता हूँ। वैसे कोई भी शुगर वाला जिसमें कंटेंट हो आप उसमें ले सकते हैं। और आपको कितना क्वांटिटी में लेना है क्रिएटिन, हार्डली आपको 3 ग्राम मैं करीब लेता हूँ, उसका एक स्कूप है। वो आई गेस 5 ग्राम का है, तो उसमें से मैं आधा कर लेता हूँ, तो 3-2.5 ग्राम हो जाता है। 2.5 ग्राम वर्कआउट से पहले लेता हूँ और 2.5 ग्राम वर्कआउट के बाद। मेरे को इससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रेफर टेकिंग प्री वर्कआउट्स क्योंकि लाइक मेरे को मतलब पर्सनली वो चीज़ सही नहीं लगती है। मेरे को क्रिएटिन ज़्यादा बेटर लगता है। उससे बस क्रिएटिन लेते टाइम आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी डेली का पीना है, और अगर उससे ज़्यादा थोड़ा हो सके तो ज़्यादा बेटर है। अभी हम निकल रहे हैं, आप पीछे देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा अंधेरा है। मैं और मेरा भाई जाते हैं साथ में बाय द वे जिम। तो मोस्ट ऑफ द पीपल को सुबह जाना पसंद नहीं होता, लेकिन मेरे को सुबह जाना ही पसंद होता है क्योंकि लाइक सुबह सुबह मेरे को सही रहता है, मोटिवेशन आती है। अभी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, हमें निकलना था 6 बजे तक पहुँचना था जब, लेकिन 6:15 हो गए हैं यहाँ भाई, तो हल्का सा लेट है लेकिन ठीक है, चलते हैं। वर्कआउट के लिए पार्टनर मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। अकेले जाने में वो ज़्यादा मोटिवेशन नहीं आता और उतना ज़्यादा कोई पुश भी नहीं कर पाता, लेकिन कोई भी ऐसा दोस्त मत लेके जाना जो खुद ही नहीं करता एक्सरसाइज, बैठा रहता है। तो उससे बेटर है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ जाएं जो आपको पुश करे। और तो चलो सीधा चलते हैं जिम में। तो अभी आप देख रहे होंगे कि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा नहीं है एक्चुअली, ये सुबह का टाइम हो रहा है। अभी 6:22, हाँ 6:22 हो रहे हैं। और बस ज़्यादा दूर है नहीं मेरा जिम, हार्डली 10 मिनट है मेरे घर से। और मैं भी आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप अपना बहुत ही पास रखें जिम, ज़्यादा दूर ना रखें, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जिम जाना इज़ लाइक बहुत मुश्किल। तो मैं सुबह इसलिए जाता हूँ क्योंकि मेरे को शाम को लाइक ऑफिस भी जाना होता है, और ऑफिस से आते आते कभी कभी लेट हो जाता है शाम को, तो फिर हो नहीं पाता है, एक्सरसाइज ढंग से नहीं हो पाती है, इतनी मोटिवेशन नहीं रहती है, थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आई प्रेफर कि सुबह सुबह ही जिम निपट जाए ताकि शाम को ऑफिस से आके मैं ईज़िली अपनी वीडियोस वगैरह एडिट कर पाऊँ। शोल्डर्स मेरा फेवरेट डे है, लोगों का यूजुअली शोल्डर फेवरेट डे नहीं होता है, मेरे को बैक करना इतना नहीं पसंद, लेकिन शोल्डर्स आई लव डूइंग शोल्डर्स। बस अब जिम पहुँच ही गए हैं तो फटाफट अंदर चलते हैं। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, सुबह सुबह जिम आने का ये भी फ़ायदा होता है कि सारा जिम, मोस्टली जिम खाली होता है और आपको कोई भी एक्सरसाइज करने में वेट नहीं करना पड़ता। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। More when I was not around. Certain people that I know, they're no longer about. My name came up a lot, it sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they're no longer about. My name came up a lot, it sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they're no longer about. I'm an OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फॉर्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग में बॉडी यूज टू नहीं होती है कोई भी नई मूवमेंट्स की, तो आप ज़रूर वार्म अप करें। सबसे पहले अच्छे से स्ट्रेचेस करें, अगर आप शोल्डर कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेचेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही वर्किंग सेट में जाएँ। अभी पहले वार्म अप कर रहे हैं। और कभी भी ईगो लिफ्टिंग ना करें, ऐसा ना सोचें कि जैसे कि अभी आपने देखा खाली रॉड से मैं कर रहा हूँ, तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है कि दूसरों को दिखाने के लिए आप वेट उठा रहे हैं। आपकी फॉर्म सही होनी चाहिए, चाहे आप कम वेट उठा रहे हैं लेकिन आपकी फॉर्म बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें। ट्राई करता हूँ कि मेरा एक आवर में वर्कआउट ख़त्म हो जाए, लाइक 45 मिनट्स वेट ट्रेनिंग विद 15 मिनट्स स्ट्रेचिंग वगैरह, ताकि मैं बाकी काम इजीली कर पाऊँ। अभी बस घर निकल रहे हैं क्योंकि 7:30 बज गए हैं। मैं 8, 8:30 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑफिस के साथ जिम मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। सी, अगर आपको करना है, जिम करना है, तो आपको कहीं ना कहीं लूप होल्स मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई भी जिम ना कर पाए, बहुत मुश्किल होता है। या सी, पहले मुश्किल लगेगा लेकिन इवेंचुअली ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, तो आपकी बॉडी एकदम अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज होती है, आपका ब्रेन सेल्स अच्छे से काम करते हैं, आप ढंग से सोच पाएंगे। जब आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन स्टिल अगर आप वर्कआउट करते हैं सुबह सुबह या शाम को करते हैं, तो आपको एक ऐसी अकॉम्प्लिशमेंट फील होगी कि यार एटलीस्ट हमने आज वर्कआउट किया है, अपने हेल्थ के लिए कुछ अच्छा किया। और यार सी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट करें, मतलब आप अपनी बेसिक लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए भी वर्कआउट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स बेसिकली आपके ये हैं कि आप जब डाइट से नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपकी डेली एक्टिविटी कम है, आप इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं करते, मॉडरेट वर्कआउट करते हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस वर्कआउट करिए, हेल्दी खाइए, बाहर का ज़्यादा ना खाएं, तेल वाला ज़्यादा ना खाएं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा बॉडी पे। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप सिर्फ जिम ही कर रहे हैं, आप कोई भी एक्टिविटी करिए। आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत मुश्किल हो गया है, आई नो, हम स्पोर्ट्स वगैरह भी नहीं खेलते आजकल, तो बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेलते तो मतलब बड़े होके तो कौन ही खेलेगा स्पोर्ट्स, तो हम फ़ोन में लगे रहते हैं, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं इस लाइफस्टाइल के साथ साथ। आई नो बहुत सारी कुछ चीज़ें ईजी हुई हैं लेकिन बहुत कुछ ख़राब भी हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचेस वगैरह करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, 7:50 हो गए, मेरे को 8:20 तक, ये क्या है अंधेरा कायम रहे, 8:20 तक मुझे निकलना है, 7:50 तो मेरे यहीं हो गया। लेकिन हार नहीं माननी है, वर्कआउट करना ज़रूरी है और फिर ऑफिस जाना है, तो आप थोड़ा मोटिवेटेड रहें, मेरी तरह डिप्रेशन में ना जाएँ। आठ 50 हो चुके हैं, मैं अपने रूम में आ चुका हूँ और आज तो नहीं जूते पहन के जाऊँगा। अभी फटाफट रेडी होते हैं, निकलते हैं, फिर ऑफिस से आके आपको मिलूँगा। वन मोर क्विक अपडेट, आज मैंने वाइट पहना है क्योंकि मेरे शूज़ आपने देखे हैं बहुत कलरफुल है तो इसलिए वाइट पहना है। एनीवेज अपडेट ये है कि मेरी एक वीडियो के जो लेटविंस का लेग वेव का ट्यूटोरियल है उसके हो गए हैं 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं और 2700 कुछ लाइक्स हैं। थैंक यू सो मच। 2.3 के भी कंप्लीट हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तभी ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। मतलब लाइक सीरियसली, अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई कार्ड में, तो आप ज़रूर देखिए। तो चलो अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, ठीक है। मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी हो रहे हैं 8:15 और मैं निकल जाऊँगा, अभी मेट्रो से जाऊँगा और मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा कि ऑफिस जाते हुए, क्योंकि ऑफिस में कैमराज अलाउड नहीं है तो मैं कैमरा नहीं लेके जा पाऊँगा ऑब्वियसली, फिर मैं रखूँगा कहाँ, तो मैं वापस आऊँगा शाम को, फिर मिलते हैं। तो फाइनली अभी जस्ट मैं घर आया हूँ और अभी हो रहा है 7:30 बज चुके हैं। सुबह भी लाइक इतने बजे ही निकला था मैं, 8:30 हो जाएगी करीब। थोड़ा सा थक गया हूँ, बहुत भूख लग रही है, अभी फटाफट डिनर करेंगे। अभी तो कपड़े भी चेंज नहीं करे, मैंने कहा पहले व्लॉग कर लेते हैं कंप्लीट। और आज सोच रहा हूँ शायद इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह बनाऊँगा या फिर वीडियो एडिट करूँगा अपनी पुरानी। तो चलो फटाफट खाना खा लेते हैं। और मेरी हर एक रिंग का पर्सनली मेरे लिए खुद एक मीनिंग है, तो लाइक जब मैं नहीं पहनता तो मेरे को अजीब लगता है। और अगर आपको रिंग्स पसंद आई हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन रिंग्स लवर है, क्योंकि मैं तो बहुत मेरे को पसंद है रिंग्स। डिनर कर लिया है, अब हम वीडियो बनाएंगे जो इंस्टाग्राम रील्स के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अब बीच में थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक आ गया था लेकिन अब दोबारा स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। यूट्यूब के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था लेकिन आई होप आज करूँगा, आज बनाऊँगा। 2-3 सॉन्ग्स ढूंढे हैं, अभी तो बैठ के शिनचैन वगैरह देख रहा था। कमेंट करना कौन कौन शिनचैन का अभी भी फ़ैन है, मैं तो बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मतलब शाम को ऑफिस से आके शिनचैन ज़रूर देखता हूँ। आपको दिखाता हूँ कैसे बनाता हूँ मैं इंस्टाग्राम रील्स, इसलिए अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, अगर आपने फॉलो नहीं करा है तो जाके फॉलो करिए। उधर ट्यूटोरियल्स वगैरह भी डालता हूँ संडे, मतलब पहले डाल रहा था, अभी बीच में थोड़ा सा कम हो गया था। अगर आपने देखा नहीं है तो उधर जाके देखिए। डांस वीडियोस होती हैं, 15-30 सेकंड की वीडियोस, कुछ कोरियोग्राफीज होती हैं। ऑल्दो मैंने ये भी बनाई थी कि हाउ डू आई मेक माय वीडियोस, वो आउटसाइड की थी, लेकिन मोस्टली मैं रात को ऑफिस से आके तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बाहर जाके बनाऊँ। संडे बाहर जाके बनाता हूँ, यूजुअली मैं घर पर ही बनाता हूँ। तो आज आप देखें कि घर पे कैसे बनाई जाती है वीडियो, और ऑफिस के साथ साथ मेंटेन करना आई नो मुश्किल होता है। अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं तो आपको मज़ा भी आएगा साथ ही साथ, और बहुत बड़ा दुख लगेगा। पहली आउटफिट है आज, मेरे बाल सही नहीं लग रहे, मेरा भाई मेरे साथ बनाता है ये बनाता है मेरी वीडियोस, और रिंग लाइट है नहीं मेरे पास, तो मैं ये वाली लाइट्स यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी सही है, मतलब स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि सोना वोना भी है फिर। और रिंग लाइट जैसी तो नहीं है ये, लेकिन स्टिल अलग है। आज मेरे बाल सही हो नहीं रहे हैं, सो लाइक परसों धोए थे आई गेस मैंने। हाँ, मैंने नए वाले जूते पहने हैं, इफ़ यू गाइस कैन सी, वो तो आपको वीडियोस में दिख ही जाएगा। पहला आउटफिट है और मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि एक ही दिन में 3-4 वीडियोस बना दूँ, क्योंकि अभी अप्रॉक्सीमेटली 10:30-11 बज चुके हैं। तो अगर इतना लेट रोज़ जाऊँगा तो सुबह ऑफिस में सोता रहूँगा तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बन जाए एक ही बार में। तो आज मैंने सोचा है 4 वीडियोस बनाने की। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि सोना मोना भी है फिर। आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियोस कैसे बनती है। मेरी ये वीडियो देख के आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है कि आप ऑफिस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाए, अपने पैशन को फॉलो कर पाए, तो लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट ज़रूर करना जो जो अपने पूरा नींद को छोड़ के अपने पैशन को जाके फॉलो कर रहे हैं। लाइक आई रियली रिस्पेक्ट यू गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जिनको लगता है कि ऑफिस के साथ अपने पैशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई होप सो उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।